दोस्तों, अगर आप लोगों ने यूको बैंक अप्रेंटिस की जो वैकेंसी आई थी, अगर उसके लिए फॉर्म भरा था, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपके मोबाइल फ़ोन पर एक एसएमएस आया होगा, उसमें एग्ज़ाम डेट होगी। इसके अलावा ईमेल आईडी पर भी एक ईमेल आई होगी, उसमें काफ़ी सारी जानकारी दी होंगी। आपके ईमेल आईडी आप चेक करें, आपको इस प्रकार से एक ईमेल दिख रहा होगा, पेमेंट इंटीमेशन फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम 2024-25 ऑफ यूको बैंक। आपको जो एग्ज़ाम होने वाला है वो ऑनलाइन होने वाला है, ठीक है। यहीं इस ईमेल में आपको सब कुछ लिखा मिल जाएगा। थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा कि एज़ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन डिटेन 21 अक्टूबर 2024 इशूड बाई यूको बैंक। नीचे आएंगे, पेपर का पैटर्न लिखा मिल जाएगा, और यहाँ पर देखिए शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 10 नवंबर फ्रॉम 10, यानी 10 नवंबर को 10 बजे से पेपर होने वाला है। ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ इज 60 मिनट्स विद मैक्सिमम 100 मार्क्स, वेयर 100 MCQ विल आस्ड अंडर 4 डिफरेंट सेक्शंस। 4 सेक्शन से आपके 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, और 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। एडमिट कार्ड आपका नहीं आएगा, यू विल नॉट रिसीव एनी एडमिट कार्ड। केवल आपको एक लिंक आएगा, लिंक तब आएगा जब आप फीस पे कर देंगे। यू विल ओनली रिसीव अ टेस्ट लिंक ऑन योर ईमेल अ डे बिफोर योर ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम। एंड एग्जाम से एक दिन पहले आपकी ईमेल आईडी पर एक लिंक आएगा, ये तब आएगा जब आप फीस पे कर देंगे। यहाँ पर लिखिए फीस अनरिजर्व्ड, EBEWS, OBC और OBC नॉन क्रीमिलियर, इन लोगों की फीस लगेगी ₹944। SC ST फीमेल की फीस लगेगी ₹708। PWBD की फीस लगेगी ₹472। अगर आप ये फीस पे करेंगे तब ही आपका जो है एडमिट कार्ड आएगा, और तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो कहना यही कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है, सिलेबस पता है और आप देना ही चाहते हैं इस एग्ज़ाम को, तभी फीस पे करें। फीस पे करने के बाद में जो भी एग्ज़ाम डेट आपकी, हो सकता है कि 10 ही नवंबर को सब पेपर हो रहे हों सब जगह पर, तो 10 नवंबर आपके मोबाइल पर SMS आ गया होगा जिस भी डेट में आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। SMS और ईमेल चेक करना, वहाँ पर एग्ज़ाम डेट लिखी होगी। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है, सिलेबस पढ़ लिया आपने, सिलेबस देख लिया है और आपको एग्ज़ाम देना ही है, तो फीस पे कर दें। फीस पे करने के बाद में आपको ये एक SMS भेजेंगे। यहाँ पर लिखा है, आफ्टर यू हैव पेड योर एग्जामिनेशन यू वुड इमिडिएटली रिसीव्ड एन ईमेल फ्रॉम order@ccavenue.com। इस ईमेल से आपको एक SMS आएगा, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पर एक लिंक भी मिलेगा, आपको अपना थोड़ा एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करना होगा। इस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे, आपकी ईमेल में भी इसी तरह का एक लिंक होगा, ठीक है। उस पर जब आप लोग क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद में वो लिंक कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। आप उस थोड़ा नीचे आएंगे, आपको आपकी ईमेल आईडी दिख रही होगी, रिकॉर्ड ईमेल आईडी, इस पर आप एक बार टिक कर देंगे बॉक्स पर। इसके नीचे योर फुल नेम, यहाँ पर फुल नेम डाल दें, योर फादर्स नेम फादर नेम डाल दें, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दें जो फॉर्म में डाली थी पहले, और मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दें। योर NATS एनरोलमेंट नंबर, एनरोलमेंट नंबर आपको मिल गया होगा, एनरोलमेंट नंबर आप यहाँ पर डालें, और योर फुल पोस्टल एड्रेस, अपना फुल एड्रेस यहाँ पर डाल दें, आधार कार्ड में जो भी लिखा है। पिन कोड अपना यहाँ पर डाल दें, स्टेट सेलेक्ट कर लें यहाँ से अपना, जो भी आपका स्टेट है। आप स्टेट डालने के बाद में, सब चीज़ करने के बाद में नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद में आप लोग नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आपको देखेगा इंडिकेट्स रिक्वायर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ चॉइस योर प्रेजेंट होम डिस्ट्रिक्ट, आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपको अपना जिला सेलेक्ट करना है जहां आप रहते हैं। इसके आगे सेकेंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ योर चॉइस, इसको सेलेक्ट कर लें, जो भी सेकेंड डिस्ट्रिक्ट आप लेना चाहते हैं। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ चॉइस योर प्रेजेंट होम एड्रेस, आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है, होम एड्रेस, उसका जिला पूछा रहा है, सेकेंड जिला पूछा रहा है तो सेम डाल सकते हैं, थर्ड जिला पूछा रहा है तो अपने हिसाब से आप लोग अपने तीन चॉइस के हिसाब से अपने तीन जिलों को यहाँ पर डालना है। इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा, फिर इसके बाद में नीचे आएंगे, आप देखिएगा योर कैटेगरी, आपकी कैटेगरी क्या है, इनमें से आपको अपनी कैटेगरी नहीं। अगर आपकी इनकम फादर की 8 लाख से कम है तो आप आते हैं OBC नॉन क्रीमी लेयर में, अगर 8 लाख से ऊपर है और OBC में है तो फिर ओनली OBC वाला ऑप्शन। जनरल के अंदर भी तो है EWS और ओनली जनरल, SC अलग है ST अलग है, तो अपने हिसाब से आप डाल देंगे, लगा देंगे। नीचे रिलीजन,
अपना धर्म यहाँ पर डाल दें, आगे योर डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर डाल दें अपने हिसाब से, ठीक है। ईयर में जाकर बैक जाएंगे, अपना जो भी ईयर है आपका ईयर डाल दें, इसके बाद में ओके पर क्लिक करें, जेंडर फिल कर दें। अगर आप PWD के स्टूडेंट्स हैं, पर्सन विद डिसबिलिटी के शिकार हैं, तो लगा सकते हैं। विजुअली इम्पायर्ड, हियरिंग इम्पायर्ड, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इनमें से अगर हैं तो लगा दें, वरना नो पर लगा दें। ग्रेजुएशन डेट ऑफ पासिंग, ग्रेजुएशन आपने किस डेट में कंप्लीट किया है, ग्रेजुएशन डेट ऑफ पासिंग आपको डालनी है यहाँ पर, ठीक है। जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है उस पर देख कर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आगे योर ग्रेजुएशन डिग्री इज ऑफ, आपकी डिग्री इनमें से क्या है, BA, BSc, BCom, BE, BBA, BMS, अगर इनमें से नहीं है तो अदर पर टिक लगा सकते हैं। वेदर, पर्सन्स अफेक्टेड बाय 1984 रॉयट्स एलिजिबल फॉर एज रिलैक्सेशन, अगर आप 1984 दंगे से प्रभावित हैं और एज में छूट आपको दी जा रही है तो यस कर सकते हैं, वरना नो पर टिक लगा देंगे। डज योर स्टेटस फॉल अंडर विडोज डाइवोर्स्ड वुमेन एंड वुमेन लीगली सेपरेटेड फॉर्म, अगर विडोज हैं, विधवा हैं, डाइवोर्स्ड वुमेन हैं तो लगा सकते हैं, हस्बैंड हु हैव नॉट मैरिड तो लगा सकते हैं, वरना नो पर टिक लगा देंगे, या फिर नो इसके अलावा अगर आपकी शादी नहीं हुई तो नॉट मैरिड, सॉरी NA पर लगा देंगे, नॉट एप्लीकेबल पर। आगे अपलोड योर आधार कार्ड फर्स्ट पेज, आधार कार्ड का पहला पेज यहाँ पर अपलोड करें, मैक्सिमम 100 MB का होने चाहिए, ठीक है। वहाँ PDF बनाकर यहाँ पर अपलोड कर देंगे। आगे अपलोड योर आधार कार्ड बैक पेज, अब यहाँ पर करना है बैक पेज, जिस पर एड्रेस वगैरह लिखा होता है यहाँ पर वो अपलोड करना है। ऐड फाइल में जाएंगे और अपने ब्राउज में पहले उसको सेव कर सकते हैं, मतलब पहले गैलरी में सेव कर लें, फिर यहाँ सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। अब इसके आगे है अपलोड ईयर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर मार्कशीट, ग्रेजुएशन की लास्ट ईयर की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड होनी है, करनी है, ये भी 100 MB से कम होनी चाहिए। अपलोड योर कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, तो कास्ट सर्टिफिकेट OBC वालों का लगेगा, SC ST वालों को लगेगा, ये लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देंगे। आगे है योर CC अवेन्यू ऑर्डर नंबर, रेफर टू ईमेल फ्रॉम ऑर्डर्स, ये CC नंबर, CC अवेन्यू नंबर जो है आपको ये ईमेल ID में भेज दिया गया होगा। तो यहाँ पर जो लिखा है योर CC अवेन्यू #, ऑर्डर नंबर, तो यहाँ पर आप जिस ईमेल ID से ये मैसेज आया है वो ईमेल ID फिल कर दीजिए, ठीक है। और बाकी आप किसी टीचर से भी पता कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्म भरने से पहले किसी से मालूम भी कर लेना। उम्मीद यही है कि यहाँ पर CC अवेन्यू में कुछ दिया भी नहीं है तो हो सकता है कि ये ईमेल ID ही यहाँ पर डाली जाए, और नीचे जो ईमेल, जिस ईमेल ID से ईमेल आया है उसका स्क्रीनशॉट खींचकर यहाँ पर अपलोड कर देना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ऑफ CC अवेन्यू वहाँ पर लिखा है, आपको दिखाएं, तो यहाँ पर ये लिखा है फ्रॉम लोकेश पाटिल @bfsissc.com, यहाँ पर है CC अभिजीत चौबे @bfsissc.com, तो शायद इसका स्क्रीनशॉट देकर आपको जो है वहाँ पर अपलोड कर देना, ठीक। और यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, बाकी आप किसी टीचर से भी पता कर सकते हैं इसके बारे में। ये order@ccvn.com ये ईमेल है, ईमेल एड्रेस है, इसको फिल कर सकते हैं। यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन आप इस तरीके से भरिए, आगे थोड़ा बहुत आपसे और कुछ पूछ जाएगा, आप उसको भी फिल करिए, ठीक है। बाकी इसके बाद में जो ईमेल पर लिंक दिया है, अगर आपको फॉर्म भरना ही है और एग्ज़ाम देना ही है तो जाकर आप लोग फीस पे करिए, ठीक है। इस ईमेल पर आकर आप लोग जो आपकी कैटेगरी हो, मान लीजिए आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो इस वाले लिंक पर क्लिक करें। अब क्लिक करने के बाद में आप पहुंच जाएंगे पेमेंट वाले पेज पर। अब पेमेंट जितना भी होगा वो आपको यहाँ पर लिखा मिल जाएगा, ठीक है। आप किसी यहाँ पर देखें 944 रुपये पे करने होंगे इन कैटेगरी के छात्रों को, किसी भी तरीके से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। देखिए पेमेंट आपका जो है वापस भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा ना तो ईमेल में बताया गया है ना ही वैकेंसी टाइम बताया गया था, ना ही फॉर्म में बताया गया था।
तो आप अगर एग्ज़ाम देना चाहें तो कार्ड से फीस पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, यूपीआई से भी कर सकते हैं। यूपीआई का भी ऑप्शन आ रहा है, यानी गूगल पे फ़ोनपे वगैरह से भी आप पे कर सकते हैं। तो आप फीस पे कर दें अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो। और एग्ज़ाम जो है जिस भी डेट में होगा एग्ज़ाम आपका, वो आपको ईमेल या फिर फ़ोन के माध्यम से पता चल जाए। ईमेल और एसएमएस दोनों में इसकी जानकारी आपको दे दी गई होगी, ठीक है। बाकी आपको कुछ हो जानकारी आएगी तो आपको हम बता देंगे, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करें, सभी दोस्तों को शेयर कर दें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे जो जानकारी आएगी आपको हम बता देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।